देखिएगा उनके लिए अच्छा देखिएगा ठीक है कैसे उनके विचार अंदर है कैसे उनका शरीर प्रदान किया जाए जब उनके एजुकेशन है उनके पढ़ाई को कैसे प्रदान किया जाए। कांग्रेस पार्टी लेती है तो कांग्रेस को भारत करारा दिया। इन सारी चीज़ों को समझ के हम लोगों को खड़ा होना है और मुझे खुशी है कि देश हमारे देश में जगह जगह लोग कर रहे जो हमने मिट्टी बुलाए गुस्सा है जिन लोगों ने वर्षों से फौज में जाने की तैयारी की थी उन लोगों ने ट्रेन में आग लगानी शुरू की बिहार में आग लगाया उत्तर प्रदेश में आग लगाई। ये गुस्सा जो उनका है ये सब बेरोजगारी को लेकर के है तो उसको भी हम लोग संगठित कर रहे हैं कि भाई रोजगार मिलना चाहिए। एक गाँव है उत्तर प्रदेश में गमहर तो उस गाँव में करीब 2500 लोग एक छोटा सा गाँव है 20-30 हज़ार की जनसंख्या हो 2500 लोग फौज में हैं और वहाँ एक ट्रेडिशन है कि फौज में जाने के लिए तैयारी करो। लेकिन जब ये घोषणा हो गई कि नहीं अब रेगुलर फौज में भर्ती नहीं होगी अग्निपथ माध्यम से ही भर्ती होगी तो उन लोगों ने भी फिर आवाज़ उठाई कि नहीं इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे और अपने उत्तर प्रदेश के गाँव गाँव में घूम के सम्मेलन कर रहे हैं। और देखिए उसी का एक हिस्सा था ये जो किसान मूवमेंट 1.5 या 2 साल तक वो लोग धरना दिए रहे शांतिपूर्वक। उसको बदनाम करने की कोशिश की गई उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश की गई इसी तरह से ये हिंसा पर उतारू हो जाए। लेकिन मैं मानता हूँ कि गांधी जी की एक बात हमें लड़ना है तो अहिंसा से ही लड़ेंगे और जिसको जयप्रकाश जी ने और मजबूत किया कि जयप्रकाश आंदोलन जो था उसकी 2 शर्त कि हम किसी दल वाले नहीं यानी हम आंदोलन करके चुनाव लड़ेंगे और मिनिस्टर बनेंगे ये नहीं हम किसी दल के नहीं हम समाज के लिए लड़ेंगे और शांतिमय तरीके से लड़ेंगे। ये 2 फार्मूला उनका ऐसा लोगों ने पकड़ा है कि कोई भी आंदोलन देखिएगा तो उसमें पहले ही घोषणा होगी कि हम लोग किसी पार्टी में या चुनाव लड़ने वाले नहीं और हमारा आंदोलन शांतिमय है नहीं सक रहे। तो इस लाइन पे हम लोगों को बढ़ना है और हम जो भी कर रहे हैं छात्र हैं प्रोफेसर हैं टीचर हैं आप आई टी सर जो भी
तो ये सोचना है कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते, हम आवाज़ कैसे उठा सकते। घर में तो आप फेसबुक पे लिखेंगे, लेकिन पड़ोस में जाके आप बात कर सकते हैं, अपने कॉलेज में जो टीचर हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट से बात करें। और डरे नहीं, डरना किस बात का, डर लगता है लोगों को, चूँकि जेल नहीं गए कभी तो लगता है कि जेल से चले जाएंगे तो ये भारी डर है। ईडी अगर आ गई तो जेल के डर से वो बीजेपी में ही चले जाते हैं, और बीजेपी में चले गए तो सारा आरोप हट गया। लेकिन ये जेल का डर बहुत झूठा है। हम लोग तो 1.5 साल जेल में रहे, इंदिरा जी की तानाशाही थी उस समय, लेकिन देखा कि जेल में अगर आपका एक ग्रुप है 10 लोगों का, तो आप अपने को इस तरह से सुसज्जित कर सकते हैं कि जेल का मुकाबला आपके लिए आसान हो जाता है, एक दूसरे को आप मदद कर सकते हैं। और एक हम लोगों ने रूटीन बना ली थी कि भाई 6 बजे उठेंगे, इतने बजे श्रमदान करेंगे, जेल में जो ज़मीन थी उसको हम लोग खोद करके उसमें मूली गाजर लगाते थे, ये पैदावार करेंगे, इतने समय पढ़ेंगे, इतने समय 2 घंटे का आपस में डिस्कशन का सत्र रखेंगे। तो सुबह से शाम तक की एक रूटीन बन गई थी, तो जेल हम लोग का ऐसे आनंद से ही गुजर गया। तो जेल अब जब जाएंगे आप तो उतना खतरनाक नहीं लगेगा कि भाई जेल ये चीज़, तो जेल का भी एक हवा है और उस हवे का सरकार पूरा उपयोग करती है। तो ये अपने डर से हटाना है। और ये जेल कितने लोगों को दे, 4-5 लाख लोगों से ज़्यादा जेल नहीं दे सकते, और 4-5 लाख लोग तो काम ही सड़क पर आकर के जो काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे, उनकी संख्या हो जाएगी। तो जो छात्र हैं या नौकरी पेशा हैं उनको जेल जाने की नौबत ही नहीं आई, लेकिन उस एक डर से लोग चुप रहते हैं। तो ये चुप्पी तोड़नी है और खुल करके बोलना है, जो गांधी के खिलाफ बोले उसका जवाब देना है। तो जवाब क्या देंगे, गांधी के बारे में जानेंगे तब आप जवाब देंगे, नहीं जानेंगे तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। इसलिए हम, मैं मानता हूँ कि आज ऐसा समय है कि विरोध में खड़े होने के लिए आपको विद्वान बनना पड़ेगा, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, विचारों को जानना पड़ेगा। तो विद्वत्ता अपनी बढ़ाते बढ़ाते आप लड़ाई करेंगे। तो ऐसे कुछ बातें हैं और फिर चर्चा होगी तो बात आगे बढ़ेगी। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको एक फिल्म है, थोड़ा लंबी है, उसको छोटा किया जा सकता है। इसको देखेंगे तो इसमें गांधी के बारे में कई जानकारी इंटरेस्टिंग तरीके से, हालांकि व्यंग्यात्मक तरीका अपनाया है, लेकिन उसमें गांधी जी की क्या क्या खूबियाँ थी, उनकी ताकत क्या थी, इसको अच्छे से इसने नरेट किया है। इतना करके मैं रखता हूँ, और मैं चाहूँगा कि पूना में एक सम्मेलन अगर छात्रों का, नागरिकों का आयोजित हो सके, संकेत तो है ही इस पर, सब चूँकि इससे संपर्क हुआ दिल्ली में तो इसी, ये हमारे सामने है, लेकिन पूना के कई लोग हैं, मिल करके एक सम्मेलन कीजिए युवा समिति, इसमें जो बड़े बड़े वकील हैं दिल्ली के, उसमें भी वकीलों में भी डर छाया हुआ है, लेकिन वकील ऐसे हैं जो खड़े हैं, जैसे प्रशांत भूषण खुल करके सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, गलत जजमेंट है, उसकी आलोचना करते हैं और लोगों को बताते हैं कि कहाँ बेईमानी हुई। अभी बिल्किस बानो केस में देखा कि 10 लोगों को 11 लोगों को जिनको आजीवन कारावास था, आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में उन बलात्कारियों को छोड़ दिया। और वो बलात्कारी ही नहीं थे, उन्होंने उस औरत के पेट के बच्चे को मार दिया, उसकी 3 साल की बच्ची थी उसको पटक के मार दिया, और उसके परिवार के सारे लोगों को मार दिया। और इसको मोदी ने बचा, मोदी जी की सरकार थी उसको, तो सरकार ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस लोगों में जिनमें दम था उन्होंने सबूत जुटाए, और सबूत के साथ उनको तब आजीवन कारावास मिला। तो कम से कम 14 साल इनको जेल होनी चाहिए, लेकिन 10 साल उन्हें छोड़ दिया कि ये बहुत इनका व्यवहार सदव्यवहारी रहे जेल में, ये ब्राह्मण जाति के हैं इसे इनको कितने देर जेल में पकड़ कर रखा जाए, तो जेल से छोड़ दिया। उसके बाद माला पहनाया गया, मिठाई खिलाई गई उन लोगों को, ये सब हमारे देशवासियों के आँख के सामने
बलात्कारियों को छोड़ा जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, इस तरह की स्थिति। ये तो एक जजमेंट है। अभी खान विलेकर या क्या नाम था जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ये कह दिया ईडी को ये हक दे दिया, क्योंकि ईडी एक हथियार है सरकार का पकड़ने का, हक दे दिया कि जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकते, कोई वारंट की जरूरत नहीं है, या क्यों तुमको गिरफ्तार करना है ये बताने की जरूरत नहीं है। ईडी को ये राइट है कि वो गिरफ्तार कर ले, और ये निर्दोष है ये सिद्ध करने के लिए उसी आदमी को कर, जो जेल में बंद है उसी को करना है सिद्ध कि हम निर्दोष नहीं, तुमने किस दोष के आधार पर पकड़ा ये भी नहीं बताओ। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा ईडी को दे दिया गया। तो प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं, ये लोग इसको विश्लेषित करते हैं। एक फैजान मुस्तफ़ा हैं जिनका यूट्यूब पर आप देखिएगा, वो भी बहुत सलीके से सारा बताते हैं कि ये जुडिशरी कहाँ बदमाशी कर रही है और कहाँ खुद, या तो खुद जज डर गए हैं कि हमारा हाल जज लोया वाला ना हो जाए, या फिर उनको प्रलोभन है करोड़ों रुपए दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे तो जब तुम रिटायर हो जाओगे तो तुमको राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, जैसे गोगोई साहब को बना देंगे। गोगोई साहब ने अंतिम एक साल दो साल में जितने जजमेंट दिए सब सरकार के पक्ष में दिए। क्यों दिए? गोगोई की एक कमजोरी मोदी ने पकड़ ली, उनका किसी औरत के साथ उन्होंने ज्यादती की थी, उस औरत ने कंप्लेन किया, उस कमजोरी को पकड़ के कि अगर तुम कुछ मेरे खिलाफ बोले तो तुमको जेल भेजा, क्योंकि सबूत था। तो गोगोई साहब ने हर निर्णय उनके पक्ष में दिया। बाबरी मस्जिद का निर्णय भी उसी समय, उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद में जो रामलला की मूर्ति बैठाई गई वो गैरकानूनी थी, बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया वो गैरकानूनी था, लेकिन आज मंदिर बनाने का अधिकार बीजेपी को दिया जाता है। तो ये डर का माहौल है, लालच का माहौल है, और इस आदमी की जो ये कमजोरियां हैं उसको ये आरएसएस फैला रहा है कि देश के लोगों में ये चीज़ें ऐसी फैल जाएं और आपस में ऐसी नफरत फैल जाए कि कुछ लोगों का राज इस देश पर चलता है। उनका तो सिद्धांत ही है, एक आप पढ़िएगा मंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवर्धन, तो एक चालू का अनुवर्तन, एक चालक का अनुवर्तन करो, ये उनका सिद्धांत। वो कैसे चलेगा जहाँ जनता जगी हुई है, लोकतंत्र है, एक चालक का अनुवर्तन क्यों करेंगे? पहले तो हम अपना अनुवर्तन करेंगे, हम जिसको सही मानते हैं। तो ये सब को कैसे ध्वस्त किया जाए, एक अलग भारत बना दिया जाए, ये इनकी कोशिश है। तो इतनी बातें कहीं हमने शायद जिस समय कुछ ज़्यादा लिया, लेकिन न्याय व्यवस्था भी उन्होंने खरीदी ली है। क्या चीज? न्याय व्यवस्था डर लोहे के जैसा डर खरीद ली है, डरा दी है, डरा दी है, अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन आपने गोगोई का जिक्र किया, उसके बाद में जो रमन्ना थे, ये हर कोई जो यहाँ का ऑब्जर्वेशन है, तीन चार जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो बड़े छोड़ के हर बार जब आते हैं तब एक माहौल बना देते हैं, इनके खिलाफ अगर हम लोग करेंगे अच्छे से तो वो ये तो चार जस्टिस जिनके फेस का क्लियरेंस किया था उनमें से एक फेस में बाद में उनके रेप केस करके उनको राज्यसभा में प्रलोभन दिला के उनको कन्वर्ट कर लिया गया। लेकिन रमन्ना के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी रमन्ना ने एक भी केस जो पॉलिटिकल वैल्यूएशन रखता था वो लिया ही नहीं, एक भी केस उन्होंने अपने सामने लिया ही नहीं, उस पर डिसीजन दिया ही नहीं। ये सब स्ट्रेटजी होती है, जो तानाशाह हैं, फंसे वाले लोग हैं, स्ट्रेटजी होती है कि जनता को ऐसा
संघर्ष में, जीवन संघर्ष में लगाए रखो कि वो सर उठा ना सके। छात्रों को इस तरह से इस्तेमाल करते रहो, ये परीक्षा वो परीक्षा वो, बेरोजगारी से परेशान रहें, एम्प्लॉयमेंट के लिए ही आशा लगाए रखें कि भाई चुप रहो कहीं हमको रोजगार मिल जाए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एड हॉक टीचर्स हैं, टीचर हैं लेकिन रेगुलर उनको नहीं किया जा रहा, 12 साल 18 साल से एड हॉक, तो वो लोग भी बहुत सारे चुप रहते हैं कि भाई सभी दूर, अगर हम चुप रहेंगे तो शायद रेगुलर हमको कर दिया जाए। एक मिनट, सर का ये भी हो गया है तो हम अभी सब बातचीत करेंगे, आप दोनों को विनती करूँ आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाए, नहीं सगळे सर्कल करून बसून, आणि आपण सगळे एकमेकांचा थोडासा परिचय घेऊया पण सेकंद कमी वेळेमध्ये, 20 सेकंदामध्ये आपल्या स्वतःबद्दल सांग। सभीचे विनती आहे की 20 सेकंद में अपने बारे में बताए, आप क्या करते हैं, ऑक्युपेशन क्या है, कहाँ से है और इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन 20 सेकंड नहीं, बाद में हम वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक दूसरे का परिचय भी जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम विलास केरोते है, मैं राष्ट्र सेवा दल इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ गए 30-40 साल से, और छात्र भारती नाम की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था, और अभी मैं सामाजिक संस्थाओं को सलाह देता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं शशांक पांडे, हमारा एक इंस्टीट्यूट है पर्सनल असिस्टेंट ट्रेनिंग का, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल और सेलिब्रिटी लोगों को जो मिल सकते हैं उनका फर्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा, और पॉलिटिकल इंटरनेशनल कांग्रेस से 10 सालों से काम कर रहा हूँ। नमस्कार सभी लोग, मैं सुशील दोरा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यहाँ पूना में भी पहले 20-21 साल से यहीं पे और सामाजिक संस्थाओं में कार्य करता हूँ, और फिलहाल जो फैसिज्म है, फैसिस्ट गवर्नमेंट है, इनके खिलाफ कुछ करने की पाई करता हूँ, और बचपन से ही गांधी चंद से प्रेरित आप सब लोगों की सहायता की अपेक्षा है। शिवाजी खेड़कर शुरू से हूँ, पूना का एक तहसील है, MSW तक शिक्षा हुई है और खेती करता हूँ। सभी को नमस्ते, मेरा नाम राजेंद्र आंदळे, मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में एक ग्रुप ए ऑफिसर हूँ, एजुकेशन ऑफिसर हूँ, यहाँ का जो स्टेट बोर्ड है वहाँ पे है, SSC और HSC बोर्ड में फिलहाल जॉब करता हूँ। विलास जी के नेतृत्व में मैंने कॉलेज से ही राष्ट्र सेवा दल और छात्रवृत्ति इन संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं SCRT में काम करता था तब मुझे पता चला कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, तो तभी से मैंने सोचा कि जो जितना हो सकता है मैं योगदान इस बारे में। नमस्ते, मैसेल्फ आर्किटेक्ट सर का मैं नौकरी से हूँ, यहाँ पे मेरा छोटा सा स्कूल है प्रैक्टिस आर्किटेक्ट में, और बचपन से मुझे पढ़ने की ज़्यादा आदत थी, मेरे पापा प्रोफेसर थे तो सब गांधी मार्क्स वगैरह सब मैंने बचपन से पढ़ पढ़ाया, कॉलेज में था मैं तो कुछ स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ा हुआ था, उसके बाद से लास्ट 10 साल से मेरा कुछ सोशल एम्बुलेंस नहीं रहा है, लेकिन संजय जी की वजह से ये ग्रुप की वजह से थोड़ा अभी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मार्क्स का नाम लिया, गांधी जी कोई किताब पढ़ी? गांधी जी को भी पढ़ा हूँ मैं, लेकिन मेरा एजुकेशन इसलिए कुछ किताब आपको बता देगा। नमस्ते, मैं शैली देशमुख, इंदिरा सोशल फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक कार्य शुरू किया। नमस्ते, मैं मयूर पवार, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और इंदिरा सोशल फाउंडेशन में मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, और इलेक्शन का मैनेजमेंट कैंपेन में भी मैंने यूथ कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन में मैंने काम किया है। नमस्ते, मेरा नाम सचिन मुझे, मैं छोटा व्यवसाय करता हूँ, और किसान आंदोलन के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि अभी लोकशाही को धोखा है, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया, और संकेत जी के साथ मैं संपर्क में हूँ, जिसके ऊपर आपको लड़ना है उसकी जानकारी चाहिए, तो आपको
मैं संजय चौधरी एआईसी मेंबर और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के समन्वय को मैं विशेष राष्ट्रीय सलाहकार से काम आरंभ किया कर रहा हूँ और गांव में महात्मा गांधी तंडम समिति का अध्यक्ष हूँ और अभी जो मेरी संवैधानिक लड़ाई चल रही है गांव से हमारे महाराष्ट्र निवडणूक आयोग के पास जो हम असंवैधानिक काम नहीं कर रहे हैं हमको किसी को पता नहीं है हम उसका एक भाग बनते जा रहे हैं और महात्मा गांधी हमेशा महात्मा गांधी की पहली लड़ाई संवैधानिक तत्वों की अफ्रीका और ये चीज़ें हम लोगों को अभी याद देख के अभी हमको वो लड़ाई लड़नी है तो हम जहाँ जहाँ ऐसा सहयोग मिलता है वहाँ जैसा माहौल होता है वहाँ जाते हैं और अपने को पार्टिसिपेट करके वो लड़ाई मजबूत करने की हमारी कोशिश है। धन्यवाद। मी कल्पना शास्त्री आणि 20 वर्ष मी वर्ध्याची आहे 20 वर्ष काम केलं बिहारमध्ये दलित स्त्रियांमध्ये आणि आता सध्या मी संघटन करायचं आणि देशभरात उठते आणि ज्या प्रकारचं संघटन केल्यानंतर फासिस्ट लोकांशी मुकाबला करता येऊ शकेल असे होतं प्रयत्न। नमस्ते, मेरा नाम टीना है, मैं सिविल इंजीनियर फिर एम बी ए किया है मैंने। उसके बाद मैं इस समय करके जर्मनी में थी, वहाँ पे सीरियन रेफ्यूजीज जो होते हैं उनके साथ काम कर रही थी, उसमें भी स्पेशली जो यूथ हैं उनके साथ। फिर मैं वापस आ गई हूँ और मैं यहाँ पे यूथ के साथ ही अब काम कर रही हूँ बिहार में। उनको कैसे राइट विंग से लेफ्ट विंग में लाया जा सकता है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करेंगे उसको वो करने की कोशिश कर रही हूँ। पूजा कटकर, मैं एनसीपी की आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ एंड डिसाइड आई थिंक दैट डिसाइडिंग अ पॉलिटिकल लीडर और सोशल देयर आर सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज यू शुड बी एक्टिव इन दैट बिकॉज elections, as part from elections there are many responsibility. Now we are facing some challenges that has not, whether it was in COVID or that. So I think it is my basic responsibility first to implement constitution where I stay, I conduct program regarding constitution. NCP. I follow NCP ideology because I get inspired. Chair for NCP. मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक छोटा सा फॉर्म चलाता हूँ और रिसेंटली मैं संकेत के साथ जुड़ गया सोशल मीडिया और वहाँ से फर्म आपकी सॉरी फर्म आपकी है या किसी फर्म में काम करते हैं? मतलब आई हैव अ पार्टनर। नमस्कार, मैं अविनाश पवार, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पुणे में रहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ और मेरा दोस्ती है। जो नक्सलिज्म का वातावरण है उससे मैं उद्विग्न हो जाता हूँ और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये जो रिएक्टिव मैसेजेस जाते हैं बहुत, उससे नफरत ही ज़्यादा फैल रही है दोनों तरफ से, तो उसे कुछ अलग से ढंग से टैकल करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। गांधी विचारों से थोड़ी सी आशाएं जीवित है तो उससे थोड़े से होप्स मिलते हैं। मैं प्रशांत डिंडोकर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और मेडिकल शॉप भी है। 2 साल घर पे था मैं कोविड के कारण, ये तब मैंने काफ़ी सारे किताबें पढ़ी, फिर संकेत के साथ सोशल मीडिया पे हूँ और मैं एंटी मोदी हूँ तो उसके लिए मुझे हमेशा फेसबुक ब्लॉक करते रहते दोनों तीन दिन के बाद। मेरा नाम अजय नरड है और मैं चंद्रपुर दिल्ली से आता हूँ। बाबा आमटी के जो गौरवधार सेवा समिति है उनमें से मैं गुंजर कॉलेज भी गया है और काम भी किया है और मेरे ग्रुप ने 2021 से अखिल भारतीय निरंतर सेवा समिति नाम की एक संगठना बनाई है तो उसी से सभी भारत में कमेटी गाँव गाँव में कमेटी बना के युवाओं को जागरूक करने का काम चालू है और मैं अभी पेशे से मैं MAW और काउंसलर हूँ और मध्य प्रदेश में हम मिले थे मुनुत सर के साथ और मैं सेवाग्राम में पढ़ाई की हूँ इसलिए मैंने नई तालीम बापू कुटी आश्रम
और सर्वोदय मंडल अपना राष्ट्रीय संगठन जो कि आचरण अभावे और महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के विचारों से चलती है उस पर हम काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कविता निकला हूँ। एक्चुअली सी एच बी पी एच पी लॉ कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पीडीए लॉ कॉलेज में, और एक राष्ट्रीय साक्षरता अभियान करके है वो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में चला रही हूँ। तो संगीत से भी पहचानती थी तो उसने उसकी वजह से आगे देखा है। तो हर एक विचारधारा को सुनने और कोशिश करती हूँ उसमें कुछ अगर मिलेगा जो शायद देश में हमारे काम आ जाएगा, तो इसकी कोशिश में मैं हर एक जगह पर आपको मतलब संगीत की वजह से यहाँ पर आ सकती हूँ। Yeah.